अच्छा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का शीट सॉल्व करना चालू कर दिया ना तुम लोग? डाउट्स है? एक्सरसाइज ही नहीं है तो दूसरी ले लो ना। ब्लैंक है, कुछ पेजेस मिस हो गए। क्या पूछ लो उनसे अभी, अगर हो तो ले आओ। अच्छा हाँ भाई बोलिए, क्या डाउट्स हैं? क्वेश्चन A1। हाँ बोलिए जी, क्या डाउट है? हाँ क्या डाउट है बोलो। कौन सा वाला A1? वही ना, मॉलिक्यूल्स हैं कि इस साइड जा रहे हैं सब? वी नॉट स्पीड से जा रहे हैं, M एक मास का मॉलिक्यूल है। तो बेटे उसमें देखो क्या है, ये L लेंथ का क्यूब है ना, आधे इधर जा रहे हैं आधे इधर जा। अब आप ऐसे देखो कि अगर मैं 2L by V naught का टाइम इंटरवल कंसिडर करूं तो उस टाइम इंटरवल में क्या सारे मॉलिक्यूल टकरा जाएंगे क्या? देखो जो मॉलिक्यूल इस तरफ होंगे यहां और ऐसे जा रहे होंगे उनको सबसे कम समय लगेगा टकराने में, वो तो तुरंत ही विद इन डीटी टाइम में टकरा जाएंगे। और जो मॉलिक्यूल यहां पे हैं और लेफ्ट में जा रहे हैं उनको इस दीवार से टकराने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 2L/V0। L/V0 जाने का, L/V0 आने का। तो कुछ मॉलिक्यूल तो विद इन डीटी टाइम, व्हेनेवर आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग, वो ऑब्जर्वेशन वाले टाइम से कुछ मॉलिक्यूल्स तो डीटी टाइम में ही टकरा जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल सबसे आखिरी में आएंगे। कितने टाइम में? 2L/V0। नहीं तो लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2L/V0 टाइम इंटरवल में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टकरा जाएंगे इस दीवार से एक एक बार? एक एक बार ही टकराएंगे कि ज्यादा बार भी टकराएंगे? कौन सा वाला? नहीं वो एक ही बार तो टकराएंगे, क्योंकि 2L/V0 टाइम के बाद वो क्या होगा, यहीं पे तो आएंगे ना, टकराने वाले होंगे, टकराएंगे तो। और चाहिए है ना भाई? वही बात है, एक साल में क्रिसमस कितनी बार आता है? एक बार आता है कि दो बार आता है? एक बार आता है ना, और दूसरा बार आने से तो नया साल चालू हो जाए। तो क्या है, इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2L/V0 ऑल द एन मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड वंस विद अ वॉल से, एक बार तो टकरा जाएंगे। कितने टाइम में? 2L/V0। तो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स एन मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से मोमेंटम में चेंज कितना होगा? एन मल्टीप्लाइड बाई 2M/V0। एक मॉलिक्यूल टकराता है तो चेंज इन मोमेंटम 2M/V0 का होता है, जब राइट में जा रहा है तो मोमेंटम उसका था M/V0, टकराने के बाद लेफ्ट में जाने लगा तो मोमेंटम हो गया -M/V0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया?
वैसे तो -2mv0 लिखना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड 2mv0 है ना, और n मॉलिक्यूल टकरा गए तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, n इंटू 2mv0। लेकिन ये मोमेंटम चेंज में कितना समय लगा, 12 बाई v0। तो फोर्स को Δp/Δt ऐसा लिख सकते हैं, Δp is n into 2mv0 एंड Δt is 12 बाई v0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये n m v0 square by l, क्या ये ऐसा आ जाएगा, n m v0 square by l, ये वैल्यू उसकी आ जाएगी। बोलिए जी, n m v0 square by l क्या ऐसा आ जाएगा, n2m v0 होगा ना यार, मोमेंटम में चेंज अपन ने डेरिवेशन करते समय भी तो किया था, पार्टिकल इधर जा रहा है उसका मोमेंटम कितना है, mv0 i कैप, टकरा के इधर आ गया, मोमेंटम कितना हो गया, -mv0 i कैप। चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे, -mv0 i कैप -mv0 i कैप, तो कितना हो गया ये -m2v0 i कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2mv। ये बात समझ रहा, कितना फोर्स लगेगा, यही तो निकालना था। हाँ बोलो, दोनों वॉल पर जो नेक्स्ट फोर्स है वो किसका है, इसका मतलब ये है कि हर एक वॉल पर निकालने की बात करता, वैसे तो जीरो ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो बक्सा बॉक्स जो है वो आगे भागने लग जाएगा, फिर नेट फोर्स तो जीरो ही है, लेकिन नेट फोर्स ऑन बोथ द वॉल मतलब दोनों पे कितना कितना है ये पूछना चाह रहे हैं, ईच वॉल लिख देना चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज क्या होती, नेट फोर्स ऑन ईच ऑफ द टू वॉल्स, ये सही होता, नेट फोर्स ऑन बोथ वॉल का मतलब क्या है, मतलब भावना वही है उनकी, लिखना जो भी हो मुझे नहीं पता क्या कैसे अंग्रेजी में सही से लिखेंगे, मुझे भी उतना आइडिया नहीं, लेकिन क्या है ईच लिख देते तब तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं, जो लिखा हुआ है क्या वो भी सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भावना यही है, भावार्थ यही है। हाँ और बोलिए, बी बी फॉर बॉम्ब। अच्छा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्या है ठीक है। अब देखो बेटे क्या होगा इसमें कि इनिशियली प्रेशर कितना दिया हुआ था, 3 atm है ना, इनिशियल प्रेशर इज 3 atm एंड फाइनल इनिशियल वॉल्यूम इज इतना एंड टेम्परेचर इज इतना, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पता लगा सकते हैं, पीवी इक्वल टू nRT है ना, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे जी, P इनिशियल V इनिशियल अपॉन R इंटू T इनिशियल, ये वाला A1 था बेटा,
ठीक है, क्या लिख देंगे? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल प्रेशर इज 380 atm, है ना? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, तो लगभग 3 × 10^5 लिख देते हैं, 1.01 × 10^5 होता है। इनिशियल वॉल्यूम को इतना ही लिख दो, 0.004, वो मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में ही चाहिए होता है हमको। आर, आर को क्या लिख दें? 25/3। व्हाट इज इनिशियल टेम्परेचर? 300। तो ये हो गया 100, और ये कितना हो गया? 3 × 10^3 ऊपर रह जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 10^-3/25। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए जी? 12/20। बाद में क्या होगा? बाद में आप देखिए कि फिर से यही इक्वेशन लगा दें, P final V final equal to NRT final। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? P final V final divided by R into T final। तो what is final pressure? देखो अब क्या हो गया, ट्यूब पंक्चर हो गई, पंक्चर हो गई, इसका मतलब अब ट्यूब के अंदर की जो गैस है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गई, है ना? कब तक अंदर की एयर बाहर जाती रहेगी? जब तक अंदर प्रेशर बाहर से ज्यादा है, नहीं, जब अंदर भी प्रेशर 1 atmosphere बच जाएगा और बाहर भी 1 atmosphere है ही सही, तो फिर क्या ट्यूब से और गैस लीक हो पाएगी? और गैस फिर लीक नहीं हो पाएगी। तो फाइनल प्रेशर को क्या मानना पड़ेगा आपको? 1 atm। तो हो गया जी 10^5। फाइनल वॉल्यूम 8 × 10^-4। आर 25/3, टेम्परेचर तो 300 के लिए ही बोला हुआ है अपने, तो ये आ गया आपका 100, और ये कैंसिल होकर के 10^3 बचता है, तो 25 से ये 40 बार कैंसिल हो जाएगा, 40 × 80 करेंगे तो कितना होगा? 320 × 10^-4, तो क्या आ जाएगा ये? 320/10,000, क्यों ऐसा आ जाएगा? ये कैंसिल होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 8 = 32, और ये कितना? 8/250, नहीं, अब कितने मोल्स लीक कर गए वो निकाल सकते हैं, आपस में इनको सबट्रैक्ट कर दो, ये 4/125 ऐसा आ जाएगा, तो 12/25 - 4/125, ऐसा कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा जी कितने मोल्स लीक किए? प्रेशर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो आपको अगर ऐसे लिखना है तो आपको क्या लिखना चाहिए? P इनिश P V by N equal to constant, P initial V initial by N initial equal to P final V final by N final, तो ऐसे आपको लिखना। ये इसमें हमने क्या किया भाई, जब गैस लीक कर गई तो उसके बाद मैंने वो गैस जो कि ट्यूब के अंदर बची है उस पर इक्वेशन लगा दी PV equal to NRT,
तो फाइनल मोल्स कितने रह गए वो पता चल जाएगा उससे। फाइनल प्रेशर को रख दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों? क्योंकि गैस तब तक लीक होती रहेगी जब तक ट्यूब के अंदर और ट्यूब के बाहर प्रेशर सेम नहीं हो जाता। सेम होने के बाद फिर और फर्दर गैस लीक नहीं हो। फाइनल वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, फाइनल टेम्परेचर भी दिया हुआ है, फाइनल मोल पता चल। तो क्या हो जाएगा जी, क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स दैट लीक विल बी 12/25 माइनस कितना बेटे? 4/125। 125 एलसीएम लें, 25 5 जा 145, 60 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा? 55/120 है ना? हाँ सर, आंसर मैच इस 80/120 तो 60 माइनस 4। अच्छा 56, ओके 56, 56/1 है ना? और बोलिए जी, B5 का सेकंड पार्ट ये क्या है बच्चों? कौन सा बेटे? B5 का सेकंड पार्ट क्या है? B5 पढ़ो जरा। फर्स्ट पार्ट, हाँ फर्स्ट पार्ट पढ़। The initial height of the piston above the molten cylinder is h initial equal to 4 cm. The atmosphere is centered for 5 Newton per meter square and g equal to 10 meter per second. In the above question, if we start again from the initial condition and the temperature is again gradually raised and weights are added to the piston, keep it height h with that h initial. Find the value of the added mass when the final temperature becomes 30 degrees. पहले 20 डिग्री था, है ना? तो इसमें बेसिकली आप क्या करते जा रहे हो, इसको एक्सपैंड नहीं होने दे रहे, मास ऐड करते जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? पी इनिशियल टी इनिशियल इक्वल टू पी इनिशियल बाय टी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल बाय टी फाइनल, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अब की बार हमने क्या कर लिया है, कांस्टेंट। बच्चों भाई तुम लोग होमवर्क नहीं किए हैं क्या? क्यों करना है? कहाँ है कॉपी बताओ तुम्हारी, और पीछे जाओ, और बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? होमवर्क करके आना चाहिए। अभी शीट नहीं मिला, मेरे पास तो है। होमवर्क किया?
1 नहीं किया सर, पार्ट 2 किया। अच्छा क्यों, पार्ट 1 सब्जेक्टिव इसलिए नहीं किया? हाँ हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक से करोगे तो बराबर ही टाइम लगेगा दोनों। तुमने किया बेटे? किया क्यों, क्या कर रहे हैं भैया जी? तुमने इन्हें नहीं किया? क्यों नहीं किया? हम नहीं करना, ये सब छोटे मोटे लोगों का बात है। हाँ क्यों, मैथ से कर रहे हो तो मैथ से आएगी क्या खाली एग्जाम में? फिर मैथ्स के सर मारते हैं इसलिए तो होमवर्क पूरा होना चाहिए आज के आज ही, ठीक है? यहीं पे बैठा लेंगे, वरना यहीं पे बैठा के करके जाओ या लंच करके आ जाओ जी, हैं? और यहीं पे बैठता हूँ, कर लोगे? क्या क्या होमवर्क दिया था? ABC दिया था ना? तो बच्चों ये इक्वेशन लगा दोगे, फाइनल टेम्परेचर पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर आ जाएगा, फाइनल प्रेशर आ जाएगा, कितना वेट ऐड किया वो पता चल जाएगा। क्योंकि क्या इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया प्लस mg, 13 प्लस एम लिख दो उसको, बिल्कुल ऐसा कर दो। तो यहां से फाइनल प्रेशर आ जाए, ठीक है? फाइनल प्रेशर तो खैर यहीं से आ जाएगा, यहां से एम पता चल, फाइनल प्रेशर तो इसी इक्वेशन से आ जाएगा। अपन ने पूछा क्या है उसमें, मास एडेड पूछा है ना, तो फाइनल प्रेशर आप इस इक्वेशन से निकालो, यहां से आ जाएगा फाइनल प्रेशर, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो एम पता चल जाए, है ना? और बोलिए C4 क्या है बच्चों, पढ़ो उसको, पढ़ने दो तुम शीट लो, तुम पढ़ो बेटे, तुम्हारे पास शीट है ना? हाँ पढ़ो। फाइंड द रेशियो ऑफ RMS स्पीड एट, क्या पूछा बेटे? एट टेम्परेचर T1 एंड T2, है ना? तो RMS स्पीड का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है, कौन बताएगा? बताओ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, RMS स्पीड का फॉर्मूला बताओ। नहीं याद? अरे यार तुम बताओ सर, अंडर रूट ऑफ टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना? तो क्या लिखेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2, है ना? अब हमें क्या करना है जी, टेम्परेचर का रेशियो पता चल जाए तो काम हो जाए हमारा, क्यों बच्चों? अब टेम्परेचर का रेशो कैसे पता चलेगा? हाँ आप देखो, दो अलग अलग ग्राफ बना रखे हैं उन्होंने, है ना? कोई एक ऐसा वॉल्यूम पकड़ लो, कोई एक वॉल्यूम देखो जहां पर कि
और फिर उस वॉल्यूम पे दोनों ग्राफ में प्रेशर कितना कितना हो रहा है चेक करो, है ना। देखो जैसे एक वॉल्यूम आप ले लो 1 m³ वाला ले लो, तो 1 m³ वॉल्यूम पे देखोगे तो नीचे वाले ग्राफ में प्रेशर कितना है 2 atmosphere, 2 × 10^5, और ऊपर वाले में कितना है 4 × 10^5, है ना। तो सेम वॉल्यूम पे प्रेशर दुगना है, इसका मतलब टेम्परेचर भी दुगना, टेम्परेचर भी इसका मतलब दुगना। तो आरएमएस स्पीड √2 times हो जाएगी। आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगी? √2 times। तो बस ऐसे ही सॉल्व करो, यही तरीका। और बोलिए जी, हर जगह पर क्या होगा, क्योंकि देखो आइसोथर्मल ग्राफ है ना, तो पूरे ऊपर वाले पूरे ग्राफ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, नीचे वाले पूरे ग्राफ का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो किसी भी जगह पे दोनों की रेशियो निकालोगे तो वो क्या आएगी, सेम ही वैल्यू आएगी, है ना। बस हमें ऐसा देखना है जो ग्राफ में पॉइंट नजर आ रहा है ना, जहां पर वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, ऐसा पॉइंट अपन ले लेंगे। और बोलिए जी, पार्ट टू। हाँ बोलिए। B2 पढ़ो बेटे, क्या है? डेंसिटी वर्सेस कैसा ग्राफ दिया हुआ है बेटे? प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ दिया हुआ है ना। तो एक ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, एक का स्लोप कम है, हमको ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, एक ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा दिया, इस तरह के दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, है ना। प्रेशर वाई एक्सिस पे और डेंसिटी एक्स एक्सिस पे, है ना, एक बार कंफर्म करो बच्चों। अब देखो प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है बेटे? पी एम इक्वल टू डी आर टी या रो आर टी ऐसा लिखते हैं, है ना। इसका मतलब देखो प्रेशर तो हमने ले लिया है वाई एक्सिस और डेंसिटी ले लिया है एक्स एक्सिस, तो वाई इक्वल टू आर टी बाई एम इंटू एक्स ऐसा आ जाए। तो ये जो चीज है, क्या ये इस ग्राफ का स्लोप है? स्लोप, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो स्लोप ज्यादा। अब इन दोनों में देखो स्लोप किसका ज्यादा है, इसका स्लोप, तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो टेम्परेचर बड़ा हो गया, टी वन ग्रेटर देन। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब सेम डेंसिटी पे जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा, है ना। ऐसा देखो आप भाई, P क्या है? P is rho R T by M। डेंसिटी हमने सेम रखी, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी, तो सेम डेंसिटी पे दोनों ग्राफ में देख लो प्रेशर किस पे ज्यादा है। इस वाले ग्राफ में प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, है ना। A1 और A2 क्या है? A1 और A2, A1 पढ़ो। देखो ये बोल रहे हैं कि जब हम गैस को क्या करते हैं, आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं,
कैसे कंप्रेस किया, आइसोथर्मली, तो क्या बोल रहे हैं क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है ना, बिकॉज वाई प्रेशर इंक्रीज, यही पूछ रहे हैं ना। तो देखो प्रेशर बढ़, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। अच्छा आइसोथर्मली आप कंप्रेस कर रहे हो तो टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो जिस स्पीड से पहले टकरा रहे थे अभी भी उसी स्पीड से टकरा रहे हैं, क्यों बेटा? Yes. तो फिर प्रेशर क्यों बढ़ गया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान दो पहले क्या हो रहा था, इस किसी भी वॉल पे अगर मैं टकराने की फ्रीक्वेंसी देती तो पहले क्योंकि साइज ज्यादा था तो पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो रहे, अब पर सेकेंड कोलिजन्स बढ़ गए तो पर सेकेंड मोमेंटम में चेंज भी बढ़ गया है, इस वजह से प्रेशर बढ़ गया है ना। तो सही रीजन इसका इसके अराउंड ही देखो, कोलिजन पर यूनिट एरिया में, यस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम भी लिख देना चाहिए था हमको, है ना। और बोलिए एक बार ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्या है, देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल हैव द सेम स्पीड, ये तो ऑब्वियसली गलत है, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बताता है, जीरो से लेकर के हाई स्पीड तक कुछ भी स्पीड हो सकती है ना, तो ये तो गलत हो गया जी। ऑल हैव डिफरेंट स्पीड्स व्हिच रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है, क्यों, जैसे एक मॉलिक्यूल है उसकी v1 वेलोसिटी दूसरे की v2 से, उन दोनों का आपस में टक्कर हुआ, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती, तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड कॉन्स्टेंट तो नहीं रही है ना, लेकिन क्या कॉन्स्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद सर्टेन स्पीड वो कॉन्स्टेंट रहता है, v2 वाले की स्पीड v1 वाले को मिल गई, v1 वाले की v2 वाले को मिल गई, तो अल्टीमेटली v1 स्पीड से चलने वाले जितना मॉलिक्यूल है वो सेम रहा, v2 से चलने वाले जितने हैं वो सेम, किसी भी स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या सेम रहती, दे हैव अ सर्टेन कॉन्स्टेंट एवरेज स्पीड, ये तो सही है, एवरेज स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, दे डू नॉट कोलाइड विद वन अदर, ये भी गलत है, खूब टक्कर होती है, भरपूर होती है। और बोलिए जी B5 क्या है बच्चों, वो कंटेनर आर फिल्ड विद एटॉमिक आइडेंटिटी कैसे, और ईच कंटेनर आर ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड दे आर इन दैट इन टर्म ऑफ n m एंड v आर एम एस रिस्पेक्टिवली, TA, TB, TC एंड TD आर देयर टेंपरेचर रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वन। तो देखो इनसे क्या है, आप वो निकालो ना, VRMS की वैल्यू निकालो सर, वैसे ही किया सर, नहीं आ रहा है ऑप्शन बी आ रहा है, अच्छा लाओ देखो, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, चार कंटेनर्स हैं मोनो एटॉमिक आइडियल गैस से भरे हुए, पार्ट टू का B5 क्वेश्चन की बात हो रही, पार्ट टू का B5 क्या बोल रहे हैं जी, ABCD चार कंटेनर्स और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसमें n है तो इसमें 3n है, इसमें 2n है, इसमें भी n, फिर उसके बाद बात हो रही है किसकी, मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम दिया हुआ है ना, लिखा तो है मास ऑफ एटम कितना है,
इसके एक एटम का मास 4m है, इसका m, इसका 3m, इसका 2m, है ना। तो देखो मोलर मास क्या हो जाएगा, या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जिसको तुम बोलते हो, नहीं मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय एक मोल में कितने एटम्स होते हैं अवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 4m मल्टीप्लाइड बाय अवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा। बोलिए मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास ना, और एक मोल में कितने एटम्स होंगे Na, तो ये क्या आ गया मोलर मास। आरएमएस स्पीड की अगर बात करें तो इसकी है वी आर एम एस, इसकी है 2V RMS, इसकी है वी आर एम एस, और इसकी है फिर से 2V RM, है ना, यही है V2V. तो पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, किसको, A को और C को, दोनों की RMS स्पीड बराबर है, मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर C का ज्यादा होना चाहिए। भाई आप ऐसे देख लो ना, क्या करो अंडर रूट 3RTA डिवाइडेड बाय MA इक्वल टू अंडर रूट 3RTC डिवाइडेड बाय तो रूट 3R से रूट 3R, M से ये बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास TA डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ C कितना हो जाएगा, 3/4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ A, कैसा लिख सकते नहीं, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा वो आरएमएस स्पीड एक्चुअली सेम आ रही है ना। फिर उसके बाद बी और डी को आपस में कंपेयर कर लो, इन दोनों की आरएमएस स्पीड्स भी बराबर है ना, तो क्या होना चाहिए जी, बी के लिए लिख देंगे 3RTB डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, तो M इंटू Na इक्वल टू 3RTD डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 2MNa, तो MNa से MNa कैंसिल हो जाएगा, 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पता चल जाएगा जी, टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेम्परेचर ऑफ डी। क्या ये बात समझ में आती है, मतलब देखो एक तो हमें ये पता चल गया कि सी का टेम्परेचर जो है वो ए से कम है, और साथ में हमें ये भी पता चल गया बी का टेम्परेचर जो है वो डी से कम है ना। अब क्या करें, किन्हीं भी दो को ए और बी को कंपेयर कर लें आपस में, नहीं ए और बी को अगर कंपेयर करोगे तो क्या डायरेक्टली अब आप लिख सकते हो कि ए का टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बी होना चाहिए, जो रेशो मोलर मास का है वही रेशो टेम्परेचर का भी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी आरएमएस स्पीड अभी सेम नहीं है इनकी, है ना, तो क्या लिखेंगे, इसकी आरएमएस स्पीड तो वी है और उसकी आरएमएस स्पीड क्या है 2V, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स आरएमएस स्पीड ऑफ ए, यानी अंडर रूट 3RTA बाय मास ऑफ ए दैट इज 4MNa
दिस इज इक्वल टू आर एम एस स्पीड ऑफ बी, तो 3 RTB डिवाइडेड बाय क्या उसका मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना हो जाएगा एम ये बात हो जाती है? नहीं नहीं कहाँ माना इक्वल है, मैंने ये किसकी आरएमएस स्पीड लिखी है बी की, और ये किसकी आरएमएस स्पीड लिखी है ए की, तो बी की आरएमएस स्पीड इज ट्वाइस आरएमएस स्पीड ऑफ ए, ये दिया हुआ है ना, बी की आरएमएस स्पीड इज ट्वाइस आरएमएस स्पीड ऑफ ए, तो वो इक्वेशन बनाई है मैंने, स्क्वायरिंग कर दें तो 2 times 3 RTA by 2 का 4 हो जाए इक्वल टू 3 RTB by 1 ऐसा आ जाएगा, 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी बराबर ही आ गया क्या बच्चों, टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी बराबर आ गया है ना, तो क्या हो क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ ए बराबर है टेम्परेचर ऑफ बी के नहीं, और ये दोनों बड़े हो गए किससे, टेम्परेचर ऑफ सी से है ना, अच्छा अब सी और डी का कैसे कंपेयर करें, ऐसे मत करो, देखो अपने को सारी रेशो पता है ना, तुम क्यों चिंता, टेम्परेचर ऑफ सी 3/4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ए, इसको 3/4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बी भी लिख सकता है ना, और इसको 1/2 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ डी लिख सकता हूं, तो टेम्परेचर ऑफ सी कितना आ गया 3/8 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ डी, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, टेम्परेचर ऑफ सी कितना आ गया 3/8 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ डी है ना, तो इसका मतलब क्या बड़ा है, टेम्परेचर ऑफ डी टेम्परेचर ऑफ सी से तो बड़ा है ना, लेकिन क्या वो ए और बी के टेम्परेचर से भी बड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो टेम्परेचर ऑफ डी जो है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर ऑफ डी जो है वो सबसे ज्यादा, क्या ये बात समझ में आती, और बोलिए जी, C1 C2 दोनों में डाउट है, अरे भाई क्या हो गया, हाँ B6 में भी डाउट है, देखो तो B6 में तो जो फॉर्मूला अपन ने बताया था उससे होगा बेटे, है ना, देखो क्या है देखो dN/dV की वैल्यू दी हुई है हमें, अच्छा देखो तब तक मैं C1 बता देता हूं तुमको है ना, 3 closed vessels ABCR एट द सेम टेम्परेचर T contain gases which obey the Maxwell distribution speed. Vessel A contains only O2, B only N2, and C a mixture of equal quantities of O2 and N2. If the average speed of O2 molecules in vessel A is V1, and that of N2 molecules in vessel B is V2, the average speed of O2 molecules in C will be. देखो बेटे, अगर C में भले ही दोनों mixture present है, लेकिन हमसे सी में एवरेज स्पीड तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहे हैं,
एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन सी. सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहे, सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की पूछ रहे हैं. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तो वही होगी जो है ना ए कंटेनर में है, तो वो वी वन ही आंसर हो जाएगा उसका. समझ रहे हैं? मतलब इंडिपेंडेंट हो. हाँ और बोलिए. C2, देखो C2 क्या है, सर्टेन गैस इज टेकन टू द फाइव स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स इन द ग्राफ. द प्लॉटेड लाइन्स आर आइसोथर्म्स, मतलब हर एक लाइन पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना. तो देखो क्या बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इनमें से किस पे ज्यादा होगी. देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे ज्यादा होगी. क्यों बेटे? अब देखो वन और टू तो सेम आइसोथर्म पे लाई कर रहे हैं, तो वन पे तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी वही टू पे भी होगी. क्यों बेटे? उसी तरह से जो फोर पे होगी वही फाइव पे भी होगी. फोर और फाइव सेम कर्व पे लाई कर रहे हैं. अच्छा टू और फोर में आपस में कंपेरिजन करो तो टू और फोर का वॉल्यूम सेम है लेकिन टू का प्रेशर जो है वो फोर से ज्यादा है, तो टू का टेम्परेचर भी फोर से ज्यादा होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, वन और टू की स्पीड बराबर और ये ज्यादा है किससे, फोर और फाइव की स्पीड से, और फोर और फाइव की आपस में बराबर है ना. और थ्री की अगर बात करें तो थ्री पर देखो प्रेशर सेम है, टू और थ्री पे प्रेशर सेम है लेकिन थ्री का वॉल्यूम ज्यादा, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, थ्री का टेम्परेचर ज्यादा, तो थ्री की स्पीड इससे भी ज्यादा होनी चाहिए. क्या ऐसा आ जाएगा? अरे टेम्परेचर ज्यादा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होती है ना, क्या बात कर रहे हो तुम, रूट टू आर टी बाई एम, टेम्परेचर ज्यादा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा. नहीं लो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो ज्यादा ही होती है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं. ग्राफ की पीक नीचे आ जाती है, राइट में शिफ्ट होता है ना. पीक वेलोसिटी नहीं बताती, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी होता है ना. मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी होती है. ओके बच्चों आगे पढ़ें, अभी अब बात आगे बढ़ाते हैं. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी, अच्छा एक मिनट
क्या बात कर रहे हैं हम भाई? हमने आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड के बारे में बात किया था, दोनों की मोलर हीट कैपेसिटी की तुलना हमने करी थी। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है ना, ये क्या होता है? देखो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में मैंने बताया था ना तुमको, किसे कहते हैं रिवर्सिबल, बहुत स्लो प्रोसीड हो रही होती है ना, जरा सी कंडीशन में चेंज होने से डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है तो एक्सपैंड होते होते कंप्रेस होने लग जाएगी, कंप्रेस हो रही है तो एक्सपैंड होने लग जाएगी, है ना। तो हम ऐसा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, है ना। टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो PV इक्वल टू NRT के हिसाब से क्या बोल सकता हूं कि PV कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब प्रेशर रिमेन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना। या लिख सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V। या आप यूं समझिए कि अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो क्या वो ग्राफ ऐसा हाइपरबोला के जैसा बनेगा? इट विल बी अ हाइपरबोलिक, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, सो दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एनआरटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, है ना। क्या ये बात समझ में आती है, है ना। अब इस तरह की प्रोसेस में पीवी ग्राफ तो ऐसा बन गया, बाकी सब ग्राफ तो आसानी से आप बना ही लोगे। पीटी ग्राफ बनाना तो एक्सपांशन के केस में वो ऐसा बन जाएंगे, वीटी ग्राफ बनाना तो एक्सपांशन के केस में वो ग्राफ कुछ ऐसा। बोलिए, मैंने गलत बना दिया। हम एक्सपांशन के लिए बना रहे हैं, जितने भी ग्राफ्स बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम, है ना। ठीक है बेटा, अब इसमें वर्क डन बाय गैस की बात कर लेते हैं।
वर्क डन बाय गैस का क्या फॉर्मूला होगा? इंटीग्रल पीडीवी वर्क डन बाय गैस इज इंटीग्रल इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हो क्या? अब प्रेशर को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला क्योंकि प्रेशर वेरी होता जा रहा है ना, तो आपको उधर ही उसको रखना होगा। और प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से हम लिख देते हैं एनआरटी बाय वी डी। आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से प्रेशर को क्या लिख देंगे? पी वी इज एनआरटी, तो पी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एनआरटी बाय वी के बराबर। नाउ एनआरटी इज कॉन्स्टेंट, तो दिस कैन नाउ बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन और इसको डीवी बाय वी लिख देंगे। और इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से कहां तक लगा देंगे बच्चों? वी इनिशियल से लेकर के वी फाइनल तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनआरटी एलएन ऑफ वी फाइनल डिवाइड बाय वी इनिशियल आ जाएगा। वर्क डन बाय गैस हो जाएगा एनआरटी एलएन ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, तो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल को पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल भी लिख सकते। V final upon V initial को क्या लिख सकते हैं? P initial by P, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NRT ln of P initial by P क्या ये बात समझ में आ रही है? ये वर्क डन बाय गैस आ जाए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस? जीरो जीरो। ये कितना होगा बच्चों? जीरो। क्यों? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी तो होता है। जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो बिल्कुल सही बात है। तो इस केस में डेल्टा क्यू टी लिख दिया यहां पर, टी का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ये किसके बराबर हो जाएगा जी? वर्क डन बाय गैस के बराबर, यानी एन आर टी एल एन ऑफ बी फाइनल बाय बी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी गैस की कितनी हो जाएगी बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय एनआर एन डेल्टा टी करते हैं, और डेल्टा टी क्या है? जीरो। तो इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? और मतलब क्या है जी? हीट सप्लाई करते ही जाओ, एक डिग्री टेम्परेचर कभी बढ़ेगा ही नहीं।
हीट सप्लाई आप करते ही जाओ, एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ गए, हम बढ़ने ही नहीं दे रहे, है ना? कैसे नहीं बढ़ने देते हैं, क्या करते हैं? मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, ये कंटेनर है, और इसकी जो वॉल्स है ना, दीज वॉल्स आर हाईली कंडक्टिंग वॉल्स। हाईली कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब क्या है जी? आसानी से हीट आ जा सकती है, तुरंत आ जाती, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। इसका मतलब क्या है? अच्छा, लेकिन हीट फ्लो तभी होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस, तो यदि अंदर और बाहर टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट हुआ तो तुरंत हीट फ्लो होगी। अब देखो, बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ऐसा मान सकते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? मान लो गैस को आपने पकड़ के धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगे, तो क्या होगा? वो एक्सपेंशन की वजह से थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी कम होने लगेगी गैस, तो क्या होगा? बाहर से हीट अंदर आ जाएगी और वो मॉलिक्यूल की स्पीड को बढ़ा देगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेगा। समझो, आप इसको एक्सपैंड करते जाओ, क्या हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कैसी प्रोसेस हो गई है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, और स्लोली एक्सपैंड करते जाओ तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो जाए, कंप्रेस करोगे तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। एकदम से कर दिया तो क्या है बेटे, समस्या हो जाएगी। मतलब क्या है भाई, ये इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? आपने इसको तो पकड़ के खींच दिया, अब गैस तो एकदम से एक्सपैंड नहीं होगी, वो तो धीरे धीरे एक्सपैंड होगी, तो कुछ समय ऐसा रहेगा कि गैस सिस्टम के कांटेक्ट में ही नहीं, तो वर्क डन बाय गैस वगैरह लिखना हमारे लिए वो मतलब डिपेंड करेगा आपने कितना फोर्स लगाया, वो डिटरमाइन करेगा रादर देन गैस का प्रेशर, है ना? समझ रहे हो? तो प्रोसेस आइसोथर्मल रहेगी, है ना, लेकिन क्या है, वर्क डन बाय गैस को फिर हम इस तरीके से नहीं लिख पाए, उसके हमें अलग तरीके से, वो दोज आर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती है? जब आपने सडन चेंज कर दिया, बहुत फास्ट चेंज कर रहे हो, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, है ना? उसको जो एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं उनको देख करके अपन कैलकुलेट वर्क डन आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाई, ये बात होती है किसकी? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए, मान लो हमसे कहा जाए कि हमने क्या किया, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, 1 mole ऑफ हीलियम एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, 1 mole ऑफ हीलियम एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 degrees Celsius is heated
is heated isochorically to twice its initial pressure it then expands isothermally to twice its initial volume. It expands isothermally to twice its initial volume. And then it is brought to initial state again. And then it is brought to the initial state again by isobaric compression. Calculate total work done by gas in the cycle. ये हमें calculate करना है, ठीक है? अब देखो, इसको मैं स्टेट ए नाम दे देता हूं, इसको बी, इसको सी. तो ए से बी वाला जो ट्रांजिशन है वो कैसा है बच्चों? आइसोकोरिक है, है ना? वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा उसमें? वर्क डन बाय गैस विल बी, है ना? अच्छा, ए का टेम्परेचर लेकिन कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस या कितना? 300 केल्विन. तो बी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 600 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? तो टेम्परेचर हो जाएगा कितना? 600 केल्विन. ठीक है, इसकी जरूरत ये क्यों निकाला अपन ने, आगे देख. बी से सी में गए तो बी से सी की प्रोसेस कैसी है बच्चों? आइसोथर्मल. और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस का क्या फॉर्मूला होता है जी? एनआरटी एलएन ऑफ वी फाइनल अपॉन वी. नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं? 1. R को अभी R ही लिखा रहने दो. T को क्या रखते हैं? 600. B से C के दौरान जो टेम्परेचर रहा वो, है ना? और टेम्परेचर जो B पे था वो यूज करना पड़ेगा या जो टेम्परेचर A पे है वो यूज कर ले अपन? जो B पे जो टेम्परेचर है वो यूज करेंगे. तो कितना लिखेंगे? 600. और हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि एक्सपैंड्स टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम, तो वी फाइनल बाय वी इनिशियल को 2 लिख दें. तो वर्क डन बाय गैस इन दिस आइसोथर्मल प्रोसेस कितना आ गया बेटे?
600 आर एल एन टू, अभी ऐसा ही लिखा रहने दो इसको, है ना। तो कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, एल एन टू की वैल्यू 0.693 होती है, तो आर 25/3 हो जाएगा कैलकुलेट, कोई बड़ी बात। आर के टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं 600 आर एल एन टू, ऐसा वर्क डन बाई गैस। अच्छा फिर उसके बाद बात करें किसकी, सी से ए। तो ये कैसा है आइसोबारिक, तो वर्क डन बाय गैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा, और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है जी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर मतलब ए पे जो टेम्परेचर, और ए का टेम्परेचर तो 300, और इनिशियल टेम्परेचर मतलब सी का जो टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर सी का है वही बी का है, तो कितना है, तो क्या ये -300 आर आ गया क्या बच्चों, है ना। तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कितना आ गया, पूरी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन आ गया 600 आर एल एन टू माइनस 300 आर, तो ये 300 आर कॉमन आ जाएगा, 2 एल एन टू माइनस 1 क्या ऐसा लिख सकते हैं, 300 आर इंटू 2 एल एन टू माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। ये ऐसा वर्क डन बाय गैस आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 300 आर, आर को मैं लिख देता हूं 25/3, एल एन टू को मैं लिख दूं 0.69, 0.69 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.38, है ना, 1.38, 1. क्या बेटा लॉग टू अलग है, ये अलग, नहीं 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 याद नहीं करनी पड़ती, एल एन टू की वैल्यू याद रख सकते हो आप 0.693 होती है ना, तो ये हो जाएगा कितना 0.69 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा 100 इंटू 25 इंटू कितना 0.38, तो 25 को 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25/8 200, क्या ऐसा आ जाएगा क्या बच्चे 950, क्यों जी है ना। अब देखो ये R की वैल्यू क्या हो रही है 25/3 आ रही है, तो ये -2500 जूल ये आ रहा है ना, और ये कितना आ रहा है बेटे, इसको अगर आप निकालोगे 600 आर एल एन टू, तो उसमें ये वाली चीज ऐड कर दें अपन, तो 3450 जूल आ जाएगा, क्यों बेटे भाई, इसको -2500 और इसको ऐड करते हैं तभी तो ये पूरा आता है,
ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क है वो कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके ही तो आ रहा है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये 300 आर वाली टर्म अगर मैं ऐड कर देता 2500 तो ये आ जाता, तो 950 में 2500 ऐड कर दिया मैं, है ना, ये ऐसा होगा। मतलब देखो इस साइक्लिक प्रोसेस में गैस से हमें इतना वर्क मिल जाता, इतना वर्क हमें गैस से मिल जाता। अब एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आप ऐसे देखिए कि जब ए से बी आप गए, ए से बी गए तो वर्क कुछ नहीं हुआ आपने, लेकिन गैस को हीट तो सप्लाई करी होगी, आपने गैस को क्या किया होगा, कुछ हीट सप्लाई करी होगी। बी से सी गए तो क्या हुआ, क्या बी से सी जाने में भी हीट सप्लाई हुई होगी गैस? बी से सी जब गए तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन वर्क हुआ, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है लेकिन वर्क हुआ तो गैस को हीट सप्लाई हुई। तो बी से सी वाली प्रोसेस में भी हमने क्या किया, गैस को हीट सप्लाई करी, है ना। साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, ये हमें एक मैकेनिज्म देता है जिसके के थ्रू आप हीट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वर्क, है ना। हीट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो बेटे, तो आपने क्या किया, ए से बी वाली प्रोसेस में हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करी तो क्या हुआ, वर्क तो नहीं मिला, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। फिर बी से सी में और हीट सप्लाई करी तो क्या हुआ, अब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ी लेकिन जो हीट सप्लाई करी वो पूरा किस में कन्वर्ट हुआ, वर्क में। और फिर सी से ए वाली प्रोसेस के थ्रू आप क्या किया, सिस्टम को वापस इनिशियल स्टेट में लेकर के आए, है ना, वापस इनिशियल स्टेट में लेकर के आए। तो इसमें देखो क्या हुआ बेटे, एक तो टेम्परेचर भी कम हुआ, प्रेशर कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कम हो गया तो टेम्परेचर भी कम हो गया, दूसरा वर्क भी नेगेटिव हुआ। तो इस सी से ए वाली प्रोसेस में डेल्टा यू भी नेगेटिव आया और वर्क डन बाय गैस भी नेगेटिव आया। इसका मतलब सिस्टम ने क्या कर दिया, हीट को रिलीज कर दी। क्यों बेटे, हीट रिलीज कर दी। अब देखो ओवरऑल अगर पूरी साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो हीट, नेट हीट सप्लाइड इन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, नेट हीट एक्सचेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। क्या वो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 के बराबर है क्या, और क्या ये पूरा का पूरा वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस के बराबर आना चाहिए? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता ही नहीं, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस ए आ गए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस हमने ये बात पढ़ी थी, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस क्या हमने ये पढ़ा था, डेल्टा क्यू बराबर होता है वर्क डन के, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, वर्क डन, फॉर एनी साइक्लिक। तो क्या उस हिसाब से Q1 plus Q2 minus Q3 को work done by gas के बराबर लिख सकता हूं, है ना, वो होना भी चाहिए। Law of thermo, first law of thermodynamics is nothing but law of conservation of energy। वो क्या कहता है यार, पूरी साइक्लिक प्रोसेस हुई,
हमने पूरी प्रोसेस में कुछ हीट सप्लाई करी, वो दो जगह जाती है, या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, वर्क डन हो जाता है। इंटरनल एनर्जी तो साइक्लिक प्रोसेस में बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब नेट हीट सप्लाइड इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय गैस, है ना। तो हीट सप्लाइड हमारा इनपुट हुआ और वर्क डन आउटपुट, है ना। क्या एफिशिएंसी 100% बोल दें क्या, जितनी हीट सप्लाई करी उतना वर्क मिल गया आप? नहीं, दिस वॉज नॉट माई एम टू डिजाइन दिस साइक्लिक प्रोसेस। हम तो क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि भाई हमने Q1 हीट सप्लाई करी, Q2 हीट सप्लाई करी, ये पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। हम तो ये नहीं चाहते ना कि कुछ हीट हमें वापस मिल जाए, समझ रहे हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कुछ हीट हमें वापस मिल जाए। जो हमें हीट वापस मिल रही है वो मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं था। मैं तो एक हीट इंजन बनाना चाहता हूं। इमेजिन दिस एज अ हीट इंजन। व्हाट हीट इंजन डज इज कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। नाउ द टास्क ऑफ हीट इंजन इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। जो भी आपने उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसका वर्क मिल जाए। अगर पूरी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर देता, जो आप सप्लाई कर रहे हो उसको पूरे को, तो आप क्या कहोगे, उसकी एफिशिएंसी 100%। लेकिन आपने मान लो उसको 50 जूल हीट सप्लाई करी Q1 Q2 दो बार में मिला करके, तो वो 50 जूल वर्क नहीं कर रहा है, वो उसमें से कुछ 20 जूल आपको वापस दे दे रहा है और 30 जूल का वर्क भी है। तो आपके लिए एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है तो हिसाब किताब बराबर रहेगा, समझ रहे हो। जैसे आप ऐसे सोचो कि क्या हुआ, जैसे जो यूनिवर्सिटीज होती, उन यूनिवर्सिटीज के पास क्या है, गवर्नमेंट पैसा देती। गवर्नमेंट ने दिया, भाई आपके पास इस बार 20 करोड़ रुपए का बजट है, आप जो है वो अपने स्टूडेंट की वेलफेयर एक्टिविटीज में, रिसर्च प्रोजेक्ट को फंडिंग करने में लगाओ, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसने कहा साहब हमने तो क्या है खूब कोशिश कर ली और 10 करोड़ का हमने खर्चा किया, बाकी 10 करोड़ आप वापस ले लो। तो जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इनएफिशिएंट माना जाए। भाई सरकार ने तो अपने 20 करोड़ निकाल के दे दिए ना तुमको, उनने तो कहा यार इस 20 करोड़ से तुम अपना उद्धार करो, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में लगाओ। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो उसको, तो वो आपकी इन एफिशिएंसी की तरह से काउंट होगा, है ना। एनर्जी तो कंजर्व है, आप ईमानदार हो। देयर आर टू थिंग्स, यू आर नॉट करप्ट। आपने 10 करोड़ रुपए लगाए, 10 करोड़ मुझे को वापस दे दिए, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सिस्टम करप्ट है, मैं बोल रहा हूँ वो सिस्टम क्या है, इन एफिशिएंट। जो काम दिया जा रहा है ईमानदार है आदमी, लेकिन जो काम दिया जा रहा है वो नहीं कर पा रहा डेवलपमेंट। उसी तरह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हीट इंजन जो है वो कुछ एनर्जी को लॉस कर दे रहा है या क्या है, ईमानदार आदमी। आइडियल सिस्टम की, ईमानदार आदमी के लिए भी तो इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी की बात की जा सकती है ना, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ईमानदार है, एनर्जी कंजर्व करता है, आइडियल सिस्टम है, कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। आपने Q1 और Q2 करके 50 जूल टोटल हीट इसको दी थी, इसने उसमें से 20 जूल आपको वापस लौटा दी, कहा साहब मैं तो 30 जूल ही वर्क कर पा रहा हूं। ईमानदार आदमी है लेकिन एफिशिएंट कम है। हमने हीट इसलिए तो नहीं दिया था कि वो वापस दे दे हमको, हम तो चाहते भाई तुझे 50 जूल दे दिया तो हमें 50 जूल इसको वर्क में कन्वर्ट करके दे हमको। हीट एनर्जी तो हमारे पास है, कोयला जला लेंगे, खूब हीट एनर्जी होते, उससे रेलगाड़ी कितनी तेज दौड़ रही है मेरी, वो मेरी एफिशिएंसी है ना। वो डिजायरेबल भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उससे होगा क्या, उससे वापस कोयला तो बन नहीं जाएगा मेरा, है ना। वो क्या होगा, बाहर एटमॉस्फेयर को भेज रहा है ना, एटमॉस्फेयर को रिलीज कर रहा है,
हाँ वो ठीक है, उसकी भी कोशिश की जाती है कि उस हीट को टैप करके हम किसी तरह से वापस भी यूज कर लें। हाँ तो बेसिकली उस साइकिल की तो वो इनएफिशिएंसी में ही काउंट होगा ना, तो इसलिए अब तुम समझना, अब तुम्हें क्या है एफिशिएंसी का मतलब समझ में आएगा कि क्यों ऐसे डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी। ये नोट कर लिया ना, तो एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस या एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को कैसे डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी होती है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, है ना। नेट हीट एक्सचेंज नहीं है यहां, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से बात करूं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय क्यू वन प्लस क्यू, है ना। क्यू वन प्लस क्यू टू को हम बोल देते हैं हीट सप्लाई, क्यू वन प्लस क्यू टू को क्या बोल देते हैं हीट सप्लाई, और क्यू थ्री को बोल देते हैं हीट रिलीज, क्यू वन प्लस क्यू टू को बोल देते हैं हीट सप्लाइड और क्यू थ्री को बोल देते हैं क्या हीट रिलीज, है ना। तो वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज डेफिनेटली इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिलीज्ड। ईमानदार है, वर्क डन बाय साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिलीज्ड। लेकिन हम तो चाहते थे कि साहब ये हीट रिलीज जीरो ही हो जाए ना, तो वो ये नहीं कर पा, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कितना हो जाएगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिलीज्ड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस हीट रिलीज्ड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। ये एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस या एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का पॉइंट वन हो, यस हीट रिलीजिंग। या कुछ लोग कहेंगे सर आप इसको साइक्लिक प्रोसेस मत बनाओ ना, क्या करो बस यहीं पे लाके रोक दो इसको। नहीं भाई देखो, साइक्लिक प्रोसेस बनाना तो मजबूरी है ना बेटे, क्योंकि क्या है आपको इंजन को लगातार चलाते रहना है, नहीं पूरे सालों साल पूरे दिन दिन भर फैक्ट्री रन कर रही है तो कंटिन्यूअसली रन कर रही है ना। तो उसमें क्या है आपको तो वो रिपीटेडली वो टास्क करते रहना है ना, ऐसे थोड़ी कि बस एक बार एक्सपेंशन किया खत्म, कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना है आपको। तो वो ऐसा एक्सपेंशन करते ही जाओगे तो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स भी तो हैं आपके उसके, तो आपको यू हैव टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इनिशियल स्टेट, अगेन डू द वर्क, सो दैट क्या है वो रिपीटेडली वो टास्क जो है वो होता रहे, है ना। तो आपको क्या है साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ही अचीव करना पड़ेगा इसको, वन टाइम यूज है वो, तो वन टाइम यूज तुम्हें तो क्या होता बहुत कम, और एक बार वो रेलगाड़ी का पिस्टन आगे बढ़ा, पहिया एक रोटेशन घूमा, समझ रहे। तो चाहे वो स्टीम इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता, सब एक अलग अलग। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी, इसका इसका एक ब्लॉक डायग्राम भी बनाते हैं,
ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन इज समथिंग लाइक दिस. ये आपका रिजर्वॉयर एट हाई टेम्परेचर, ये है रिजर्वॉयर एट लो टेम्परेचर, है ना. मतलब ये आपका सोर्स ऑफ हीट और ये आपका क्या है, सिंक ऑफ हीट. ठीक है, वहां से आपने क्या किया, इसको हीट सप्लाई किया. ये इंजन है आपका, हीट सप्लाई किया. उसने क्या किया, इसका कुछ हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया और कुछ पार्ट उसने क्या किया, हीट को रिलीज कर. है ना. अब बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व, वर्क डन किसके बराबर है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिलीज्ड. लेकिन एफिशिएंसी क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? ओके, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना. अच्छा, इस वाली प्रोसेस की एफिशिएंसी निकाल लें क्या आप, इस प्रोसेस की, या घर पे निकालो. वैल्यूज तो है ही सब, कैलकुलेशन मैंने सारा कर लिया है, बस अप्रोप्रिएट चीज को अप्रोप्रिएट जगह पे पुट करके आंसर निकालना है. वर्क डन यू ऑलरेडी नो, हीट सप्लाइड वगैरह की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास. जैसे इस ए से बी के लिए तो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी वर्क डन इज जीरो, तो हीट सप्लाइड इक्वल टू चेंज इन इंटरनल है. और बी से सी के लिए क्या है, वो कैलकुलेट कर सकते, है ना. नहीं, वर्क डन जीरो नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो वर्क डन इक्वल टू हीट सप्लाइड, बी से सी वाला, है ना. ओके, तो अगली क्लास में कंटिन्यू. बाय सर, थैंक यू सर. बाय बेटा.